सियासी मतभेद अक्सर देखने को मिल जाती है, लेकिन दोस्ती की तस्वीरें कम ही सामने आती है। बुधवार को विधानसभा परिसर में आयोजित बुट्टा पार्टी के दौरान सियासत में दोस्ती की कुछ तस्वीरें सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और पूर्व सीएम कमलनाथ को एक साथ भुट्टे का लुफ्त उठाते देखा गया। बीजेपी कांग्रेस के तमाम नेता एक साथ इस पार्टी में शामिल हुए, वही सीएम शिवराज और कैलाश विजयवर्गीय की जुगलबंदी भी देखने को मिले। दोनों को एक साथ ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे गाना गाते भी देखा गया। राजधानी में हुई नेताओं ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। सावन के महीने में प्रदेश के कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की भुट्टा पार्टी अपने में संकेतों के कई दाने भी समेटे हुए हैं। इसमें मुख्य संकेत तो यही है कि कैलाश विजयवर्गीय पश्चिम बंगाल में भाजपा को अच्छे वोट और विपक्ष में बैठने लायक पर्याप्त सीटें दिलाकर अब एक बार फिर मध्य प्रदेश में सक्रिय है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मंत्री कमल पटेल, अरविंद भदौरिया सहित तमाम नेताओं से मुलाकात भी की, तो शाम को विधानसभा परिसर में भुट्टा पार्टी में मेहमान नवाजी भी की। वैसे हम आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय की भुट्टा पार्टी मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में हमेशा चर्चा में रही है। पिछली पार्टी तब हुई थी जब वे मध्य प्रदेश में सक्रिय थे और अपना सरकारी बंगला खाली नहीं किया था, यानी एक लंबे अरसे बाद ये भुट्टा पार्टी बंगले से निकलकर अब विधानसभा परिसर पहुंची है, तो इसके राजनीतिक मायने तो निकाले जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विधानसभा परिसर में हुई इस भुट्टा पार्टी को एक सामान्य आयोजन बताया। ये सामाजिक तौर पर भाईचारा का, परिवार के मिलन का इससे बढ़िया समारोह क्या हो सकता है। इसको राजनीतिक उसमें कुछ देखना चाहिए, बिल्कुल उसको हटा दो, राजनीति को बाहर कर दो, पारिवारिक कार्यक्रम के रूप में देखो ना इसको। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे राष्ट्रीय महासचिव कैलाश जी गाना गा रहे हैं और उन्होंने पूरी तरह से समा बांध दिया है। अरे यहाँ पे गाना बजाना पूरा हो रहा है।
पार्टी करते हैं जो कि बहुत फेमस है भोपाल में। पिछले दो साल से कोरोना के कारण जो है ये पार्टी नहीं हो रही थी, लेकिन इस साल उन्होंने ये विधानसभा के परिसर में इसको रखा है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे भुट्टे के अलग अलग डिशेज हैं। क्यों भैया, ये क्या है? ये कॉर्न है, कॉर्न चाट। इसकी क्या स्पेशलिटी है? इसकी स्पेशलिटी बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी लगती है, नमकीन है जी। तो ये कॉर्न चाट है और यहाँ पे देखते हैं हम कि यहाँ पे क्या है। यहाँ जो है स्वीट कॉर्न चाट, ये भी एक तरह का चाट है। अब आते हैं यहाँ, क्यों ये क्या है भैया? कॉर्न टिकिया, इसकी क्या? ये जो है कॉर्न के, यहाँ पे आप देख सकते हैं पकोड़े हैं, ये कॉर्न का कचौड़ी उसके बाद ये भुट्टे का किस है जो कि बहुत फेमस होता है और आप देख सकते हैं कि ये कॉर्न के छोटे छोटे जो सिके हुए कॉर्न के बॉइल्ड कॉर्न के टुकड़े ये हैं। उसके बाद स्वीट कॉर्न का जो है सूप भी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है पूरा एक कैलाश जी ने एक पूरा रंगीन माहौल समा यहाँ पे बांध दिया। उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठ के कांग्रेस बीजेपी सबके नेताओं को इनवाइट किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जितने बड़े नेता हैं, जितने वरिष्ठ मंत्री हैं, वो सब यहाँ इस आयोजन में आए। और सबसे बड़ी मजेदार बात ये रही कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कैलाश जी ने मिलकर जो गाना गाया वो एक तरह से पॉलिटिकल संदेश दिया कि मध्य प्रदेश की राजनीति में सब सही है, सब एकजुट है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। विधानसभा परिसर में आयोजित हुई इस भुट्टा पार्टी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ भी पहुंचे। वहीं आयोजन में गोविंद सिंह, कांतिलाल भूरिया, जीतू पटवारी समेत कई मंत्री विधायक शामिल हुए। राजनीतिक दुर्भावना और बयानबाजी से परे हटकर कांग्रेस के विधायकों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान कांग्रेस विधायक केपी सिंह ने विजय वर्गीय पर तंज कसते हुए कहा, ये भुट्टा पार्टी ही करते रह जाएंगे लेकिन इनकी जो महत्वाकांक्षा है धरी की धरी रह जाएगी। ये कैलाश जी बेचारे भुट्टा खिलाते खिलाते ही सारी महत्वाकांक्षाओं को पाले रहेंगे और होना जाना मुझे लगता कुछ नहीं है। वैसे मेरी उनको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि जो उनके मन में महत्वाकांक्षा रह गई वो पूर्ति हो जाए, लेकिन जो हालात हैं उसमें कहीं नजर नहीं आता ऐसा। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, प्रभुराम चौधरी, जगदीश देवड़ा, राम खेलावन पटेल समेत कई विधायक शामिल हुए। बीजेपी के मंत्री और विधायकों ने इस आयोजन को एक सामान्य प्रक्रिया बताया। उन्होंने कहा, इस कार्यक्रम को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा जाए। देखिए, कैलाश जी लंबे समय से ये भुट्टा पार्टी का आयोजन करते हैं। बीच में कोरोना की वजह से दो साल का गैप हुआ है और हमेशा की तरह इस बार अब चूँकि अभी कोविड कम है इसलिए आज ये भुट्टा पार्टी है। सबका आपस में मिलना जुलना होता है। हम सब लोग सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं और इसलिए कुछ क्षण ऐसे हों जब सब लोग फुर्सत में मिल सकें, गपशप कर सकें और इस तरह से ये एक जो परंपरा है वो ही है, कोई इसमें नया। इन दिनों देखा जा रहा है कि बीजेपी में मेल मुलाकात बहुत ज्यादा नहीं है, जब से सिंधिया जी और उनकी टीम आई है तब से मेल मुलाकात बहुत ज्यादा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस समय देश की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे दल में अनेक नेता है
और सब लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं और इसलिए ये सामान्य मुलाकातें होती हैं। राजनीति में तो लोगों का काम ही मिलना जुलना होता है। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तो हैं ही, लेकिन वो मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं के जनप्रतिनिधियों के एक मिलनसार और एक अच्छे गायक हैं और वो हमेशा मालवा का जो भोजन है और विशेष करके भुट्टे का किस और प्रकार का है तो हमेशा ही करते हैं। और ये आयोजन हुआ है ये सामाजिक समरसता मिलना जुलना और सबको सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो मोदी जी का नारा उसको सबका विकास कैलाश विजयवर्गीय जी का भी विकास कैलाश विजयवर्गीय जी का विकास तो वैसे ही है। राष्ट्रीय महासचिव है, हमारे नेता हैं और बड़े दिल के हैं, सबको लेकर चलते हैं और एक जो मालवा की परंपरा है लोगों को मिलना जुलना भोजन कराना और सबसे प्रेम से मिलजुल कर एक आत्मीयता का भाव है वो प्रदर्शित करते हैं और हमेशा ही वो हर साल भुट्टा पार्टी रखते हैं और आज जो भुट्टा पार्टी रखी है इससे चाहे वो भाजपा के लोग हों चाहे कांग्रेस के हों चाहे निर्दलीय हो सभी विधायकों को और पत्रकारों को और अपने परिचितों को बुलाया, उन्होंने एक पारिवारिक कार्यक्रम है और इसमें सभी लोग आए हैं। निश्चित रूप से ये कैलाश जी की महानता है, ये गेट टूगेदर है और ये कैलाश जी विजयवर्गीय जी का स्नेह है, प्रेम है, सब लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं, मिलना जुलना हो जाता है तो अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण है। लेकिन ऐसा कि कैलाश जी थोड़ा सा मध्य प्रदेश में अपना वर्चस्व कायम करने की दोबारा से कोशिश कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है? कैलाश जी कोई नए तो है नहीं, मध्य प्रदेश के ही हैं और लगातार संपर्क में रहे हैं, इसलिए कोई विशेष बात नहीं। भुट्टा पार्टी का आयोजन प्रतिवर्ष हमारे वरिष्ठ नेता कैलाश जी विजयवर्गीय हर साल करते हैं। ये किसी बहाने से भी हम थोड़ी देर के लिए अपने अपने घरों से दूर जब विधानसभा सत्र चलते हैं अनौपचारिक रूप से मिलना जुलना होता, अच्छा लगता है। उस दृष्टि से ही है, इसको इस रूप में ही लेना चाहिए। बहुत धन्यवाद। इसमें कोई राजनीति या भुट्टा पार्टी हमारे कैलाश जी का एक अलग अंदाज है। माननीय शिवराज जी माननीय कैलाश जी ने जोरदार ढंग से एंट्री की है, बड़ा आनंद के उत्सव के साथ भुट्टा पार्टी में बहुत मज़ा आया, आनंद आया। और कैलाश जी हमेशा बड़े नेता है और हमेशा इस प्रकार की पार्टियां करते रहते हैं, हमारी शुभकामनाएं भी इसी प्रकार की पार्टियां इस राजनीतिक झंझावतों के बीच में एक आनंद की अनुभूति का एहसास इस पार्टी को ज़्यादा होता है। लेकिन इसको राजनीतिक पृष्ठभूमि में राजनीतिक परिदेश में कैसे भी तो लिया जा सकता है? विशुद्ध रूप से कोई राजनीतिक परिवेश नहीं है, पारिवारिक परिवेश में हम सब मित्रता के परिवेश में यहाँ पे एकत्रित हुए। अच्छा, कैलाश जी हर साल सब लोगों को बुलाते हैं भुट्टे पार्टी पर, अच्छा आयोजन है। देखिए ये हमारी संस्कृति है और हमारी संस्कृति में मिलना, आपस में बातें करना, आपस में मिलना, ये हमारा संस्कार है, इसको किसी दूसरे रूप में लेना गलत है। अब पॉलिटिकल अलग अलग रूप हो सकते हैं लेकिन मैं नहीं मानता, यहाँ सब लोग आए हुए हैं, आप भी आए हो, मैं भी आया हूँ, तो इसको किसी दूसरे रूप में नहीं लेना चाहिए। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। कैलाश विजयवर्गीय के इस भुट्टा पार्टी में सत्ता से जुड़े लोगों के साथ साथ वे लोग भी शामिल हुए जो इन दिनों सत्ता से दूर है, लेकिन वे कैलाश विजयवर्गीय के दिल के करीब है और यही कारण है इस पार्टी का न्योता उन्हें भी भेजा गया। इसको किसी रूप में लेने की जरूरत नहीं है। माननीय कैलाश जी हर साल ये पार्टी देते हैं, इस साल थोड़े बड़े रूप में हो गई है तो ये गेट टुगेदर है, उनका संपर्क सब क्षेत्रों से, सब लोग भी चाहते हैं कि कोई ना कोई अवसर ऐसा है जिसमें माननीय कैलाश जी से भेंट हो सके, तो ये एक सामान्य शिष्टाचार की पार्टी है और हम सब लोग भी उसी नाते उपस्थित हुए। देखिए मालवा की संस्कृति स्वाद की और खाने और खिलाने की जो संस्कृति है उसको हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ाते हैं और वो कार्यकर्ताओं के बीच में लोगों के बीच में बड़े लोकप्रिय नेता हैं, तो उनके बुलावे पे कोई भी उस पार्टी में भाग लेने के लिए अपने को बहुत आतुर रहता है। तो लंबे समय बाद बंगाल में फ्री होने के बाद उन्होंने ये जो भुट्टा पार्टी की है उसकी रौनक आप देख ही रही हैं। देखिए ये होना चाहिए, जो भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है वो एक सामाजिक कार्यकर्ता होता है,
और लगातार पक्ष विपक्ष अपने विचारधारा में काम करते करते कहीं ना कहीं इस तरह की परिस्थितियां और वातावरण बनता है जैसे कभी ये लगने लगता है कि एक दूसरे के दुश्मन है। आज ही नहीं, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी की ये विशेषता है कि वो हमेशा एक फ्लोर के बाद, उनके लिए सब लोग एक समान होते हैं, सारे दल एक समान होते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण आज भी आपने देखा और कई बार भी देखने को मिलता है। आज यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान कमलनाथ जी भी थे। अगर पक्ष के विधायक थे तो विपक्ष के भी सारे विधायक मित्र थे, मिनिस्टर थे तो पूर्व मंत्री भी थे, संगठन के अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, लोग थे, तो कांग्रेस के भी सभी मित्र हुआ करते हैं। तो ये एक ऐसा पारिवारिक वातावरण होना चाहिए जिससे ये लगे समाज के बीच में एक संदेश जाना चाहिए कि हम दुश्मन नहीं हैं, हम सिर्फ देश के लिए समाज के लिए काम करते हैं। विचारधारा अलग हो सकती है लेकिन हमारे मत अलग हो सकते हैं, लेकिन मन में भेद नहीं है। मैं फिर कभी गुनगुना दूंगा, आज आपको बधाई देता हूं, आपके चैनल को बहुत शुभकामना देता हूं। एशियन लगातार बहुत तेज़ी से पूरे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और देश में भी बहुत लोकप्रिय होता चला जा रहा है। मैं अपनी तरफ से आपको शुभकामना देता हूं। मैं 15 अगस्त के दिन कोई राष्ट्रीय गीत गुनगुनाऊंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भाई भुट्टा पार्टी तो हम मालवा के लोगों की खास है। आप इंदौर उज्जैन आसपास चले जाइए, इतनी तरह की भुट्टे की वेराइटियाँ चालू होती है खाने के लिए, आपको इतनी सब चीज़ मिलेगी। और ये बहुत अच्छा है कैलाश जी ने एक बनाया है कि इस बहाने सारे लोग आते हैं और मालवा के व्यंजनों का आनंद लेते हैं। आप भी आनंद लीजिए भुट्टा पार्टी। अपने ये भारत में कहा गया कि सीजनल चीज़ हमेशा खाना चाहिए। और बचपन में तो हम जब छोटे थे, मैं तो गांव में पैदा हुआ हूँ, तो हमारे तो कहते पानी बाबा आया, ककड़ी भुट्टे लाया, ककड़ी भुट्टे भुट्टे और ककड़ी रोज खाते थे बच्चे लोग। लेकिन अब भुट्टे का जो नया सिस्टम आया कि अमेरिकन भुट्टे आए, लेकिन अमेरिकन भुट्टे की मेरे ख्याल से शुगर भी है और उसमें फाइबर भी उतना नहीं जितना हमारे देसी भुट्टों में, और भुट्टों से अलग अलग व्यंजन बन सकते हैं, ये आज आपने देखा है। तो हमको ये भारतीय डिश जो आती है इनको आगे बढ़ावा देने भी चाहिए। और मेरे ख्याल से केला जी का उद्देश्य तो सबको मिलाने का था, लेकिन मिलने के बाद हमको ये चीज लगातार अपनाना चाहिए। भुट्टा आयोजन के रूप में देख रहे हैं और माननीय कैलाश जी का ये तय था कि जब विधानसभा लगेगी, और हर साल ही कैलाश जी की तरफ से, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से हर साल विधायकों को पार्टी दी जाती है, और अभी भुट्टे का सीजन था तो भुट्टा पार्टी के रूप में ही देख रहा हूँ उसको, और किसी और राजनीतिक चश्मे से देखना उचित भी नहीं समझता। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वर्चस्व की भी बात है। नहीं नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो वर्चस्व की कहीं कोई लड़ाई होती नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता भी उतना ही वर्चस्व रखता है जितना शीर्ष नेतृत्व रखता है। तो कार्यकर्ता आधारित पार्टी में वर्चस्व का कोई रोल होता ही नहीं है, यहाँ तो सिर्फ मेल मुलाकात का रहता है। क्योंकि अब आदरणीय कैलाश जी को बंगाल की भी जवाबदारी थी, दिल्ली में राष्ट्रीय महामंत्री महासचिव हैं, तो मध्य प्रदेश से उनका आना, विशेषकर भोपाल आना बहुत कम हो पाता है। तो जब भी आते हैं तो हमेशा ही वो कोई ना कोई रूप में लोगों से सबसे मिलते हैं, उसको सामान्य सौहार्दपूर्ण पार्टी के रूप में देखना चाहिए। कैलाश जी तो अपने आप में एक चुंबकीय व्यक्तित्व है उनका, और वो उनका जो व्यवहार है वो राजनीति से ऊपर उठ के उनका व्यवहार है, और सबसे उनका पर्सनल टच है, और एक बहुत ही एक अच्छे राजनेता के रूप में उनकी छवि है। तो उन्होंने एक शॉर्ट नोटिस पे सबको बुलाया और सब आए, बड़ी खुशी की बात है। और मैं समझता हूँ राजनीति में ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सभी नेताओं को एक लेवल से ऊपर उठ के आपस में मिलना जुलना करना चाहिए। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। कार्यक्रम में सिंधिया समर्थक मंत्री भी शामिल हुए। सरकार में शामिल होने के बाद बतौर मंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करने आए इन मंत्रियों ने इस पार्टी को मेल मुलाकात का एक अच्छा तरीका बताया। कैलाश विजयवर्गीय को हमेशा खाने खिलाने पिलाने का शौक है। इंदौर वाले बड़े दिल के ही सहज होते हैं, लोगों को खिलाने पिलाने में बहुत माहिर होते हैं। कैलाश जी हमारे मित्र हैं, बड़े भाई हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने जो ये कार्यक्रम किया है स्वागत योग्य है। कैलाश जी का एक पार्टी में कद है, उन्हें वर्चस्व दिखाने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ ये सामान्य पार्टी है, मित्रों के लिए और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए। ये प्रेम की पार्टी है, हम लोग सब आपस में मिलके पार्टी हुआ है। कैलाश विजयवर्गीय जी ने बुलाया है, सब लोग आए हैं। कोई प्रेम की पार्टी है, कुछ ज्यादा प्रेम नहीं हो रहा बीजेपी में? हमको ज्यादा प्रेम है उनसे। नहीं, ये तो भुट्टा पार्टी है और सब लोग इसमें, भुट्टा पार्टी वो पहले से भी करते रहे हैं और आज भी है।
इसमें पावर डिस्प्ले का कुछ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है, हमारे वरिष्ठ नेतागण एक दूसरे से मिलते रहते हैं, सावन का महीना है तो इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं गैर राजनीतिक, इसके बहाने एक दूसरे का मेल मिलाप होता है। राजनीति नहीं देखी? जी नहीं, बिल्कुल राजनीति का कोई, बस मेल मुलाकात है, पावर शो नहीं है, पावर जी नहीं, कोई पावर शो का इशू नहीं है, ये केवल एक मेल मुलाकात है, सभी लोग आए हुए। ये हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं माननीय भाई साहब, और ये एक सामान्य गेट टूगेदर सबका एक बार मिलना हो गया, और ये अपने आप में बहुत अच्छा आयोजन है, और ऐसे आयोजन राष्ट्रीय नेता यदि करेंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, सब लोग मिल जाते हैं, सब लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। थैंक यू। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। इस कार्यक्रम में सत्ता के साथ साथ संगठन भी रंग में रंगा हुआ नजर आया। बीजेपी संगठन की ओर से प्रदेश महासचिव भगवान दास सबनानी और भाजपा के जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। माननीय कैलाश जी, हमेशा हर साल ये कार्यक्रम लगभग करते ही हैं, जिसमें सभी मित्रों का मिलना होता है, सभी साथियों का मिलना होता है, और ये भुट्टा उत्सव वो मालवा की उस संस्कृति को भोपाल में भी हम सबके बीच में रखते हैं, इसलिए इसको इसके अलावा कुछ नहीं, बहुत नहीं, अच्छा। लेकिन राजनीति है, वर्चस्व की बात है, उस रूप में ना देखा जाए। कैलाश जी हम सबके आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री हैं, और वो जिस भी भूमिका में रहे उन्होंने हमेशा हम सब कार्यकर्ताओं को याद किया, हम सब लोग आते हैं और इस पार्टी में सम्मिलित होते हैं। देखिए कैलाश जी, हर साल ही इस प्रकार से लोगों को बुलाते हैं, तो मेल मिलाप की एक पार्टी है, इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहिए, हर साल वो एक उत्सव के तौर में लोगों को बुलाते हैं, जिससे मिलना जुलना रहता लोगों से। देखिए हर आदमी कह रहा है कि इसको राजनीतिक दृष्टि से मत देखिए, लेकिन पॉलिटिशियन की पार्टी को राजनीतिक दृष्टि से कैसे ना देखा जाए, और वर्चस्व की लड़ाई या वर्चस्व दिखाना, क्या राजनीतिक व्यक्ति कोई आयोजन नहीं कर सकता? ये सामान्य आयोजन है, इसको राजनीतिक दृष्टि से ना लेना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति भी मनुष्य है, वो आयोजन करेगा, लोगों को बुलाएगा, उनसे मेलजोल करेगा, इसलिए आयोजन करेगा। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। सरकार को हमेशा कटघरे में खड़ा करने वाले और शिवराज के घुर विरोधी इस कार्यक्रम में सुर में सुर मिलाते नजर आए। कैलाश जी अपने पुराने रूप में, पुराने शहर में, पुराने घर में अपनों के बीच में लौट के आए हैं, ये उनका पुराना है, मतलब इंदौर की खासियत है, और इंदौर के वो हैं इसलिए इंदौर की खासियत उनमें रची बसी है, लोगों को इकट्ठा करना, बुलाना, खिलाना पिलाना, उत्सव मनाना, सबसे अधिक उत्सव धर्मी कोई जगह है तो वो इंदौर है, और उसमें सबसे अधिक उत्सवी कोई व्यक्ति है तो वो कैलाश विजयवर्गीय है, सारे मित्रों को साथ में लेके आज वो उत्सव मना रहे हैं, हम सब उत्सव में शामिल हैं। बुधवार को भोपाल में युवक कांग्रेस द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री निवास घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और राजनीतिक दुर्भावना से दूर हटकर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने कैलाश विजयवर्गीय के इस कार्यक्रम में शिरकत की। ये एक सामाजिक व्यक्तिगत आयोजन है, आखिर हम राजनीतिक पार्टी के लोग भले ही आज अलग अलग विचारधारा के हों, लेकिन संबंध ऐसे रहते हैं कि जब किसी के यहाँ निजी आयोजन होता है तो उसमें हम सब लोग सहज शरीक होते हैं। कैलाश विजयवर्गीय सर्वमान्य भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और उन्होंने अपनी राजनीतिक परिपक्वता दिखाए हुए सभी राजनीतिक बंधुओं को, मित्रों को, प्रेस वालों को बुलाकर मिलने जुलने का और सम्मान करने का निर्णय है, जो बहुत इसकी मैं तारीफ करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। कार्यक्रम के आयोजन और आयोजक और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और विधायक आकाश विजयवर्गीय ने इस कार्यक्रम की भूमिका गैर राजनीतिक बताई, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि उनके पिताजी के स्नेह के बंधन में कई लोग बंधे हुए हैं, और इस कार्यक्रम में वो कौन के साथ गठजोड़ मजबूत करता है। देखिए तो हर वर्ष होती है, सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, सभी विधायक अपने क्षेत्र में जनता की सेवा में, सांसद अपने कामों में, तो ऐसे ही सबका एक गेट टुगेदर हो जाता है, मिलना जुलना हो जाता है। इंदौर के मशहूर कुक्स द्वारा कॉर्न, क्या ये सीज़न है तो कॉर्न के आइटम्स बनाए जाते हैं,
कुल मिलाकर के प्यार मोहब्बत का थोड़ा सा माहौल एक बनाने का प्रयास माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी करते हैं और ईश्वर के आशीर्वाद से हर वर्ष बहुत ही प्रेम भाव से ये कार्यक्रम का आयोजन होता है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। शिव और कैलाश ने अपनी आवाज से लोगों को किया मंत्रमुग्ध। शिव और कैलाश की दोस्ती है जग जाहिर। जुगलबंदी के बाद कयासों पर लगा विराम। चर्चा का विषय बनी शिव कैलाश की जुगलबंदी। कैलाश विजयवर्गीय भाजपा के वो कद्दावर नेता है जिनका मध्य प्रदेश की राजनीति में जितना बड़ा कद है उतनी ही ऊंचाई उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर हासिल हो चुकी है और दूसरे दलों के नेताओं से भी उनकी करीबी छिपी नहीं। ऐसे में खंडवा संसदीय सीट पर यदि कैलाश का नाम आता है तो कांग्रेस सहित दूसरे दलों के नेताओं का पुराना प्रेम भी उनके हिस्से में आए बिना नहीं रहेगा। कार्यक्रम में कैलाश विजयवर्गीय और शिवराज के बीच जुगलबंदी भी देखने को मिली। दोनों को साथ में ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे गाना गाते देखा गया। शिवराज और कैलाश विजयवर्गीय ने एक दूसरे को ये गाना डेडिकेट किया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर दोस्ती का इजहार भी सबके सामने किया। इस दौरान लोगों के अनुरोध पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गाना गाया। कैलाश विजयवर्गीय का हाथ थामकर सीएम ने ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे की ताल छेड़ी। इस दौरान वहां मौजूद कोई भी ताली बजाने से खुद को रोक नहीं सका। कैलाश विजयवर्गीय अक्सर मंच पर पहुंचकर अपनी आवाज से लोगों को मंत्रमुग्ध कर चुके हैं। सीएम शिवराज भी अपनी गायकी के अंदाज के लिए मशहूर है और आज जब पार्टी के दो बड़े नेता एक साथ मिले
तो सभा कुछ अलग ही बंद गया, लेकिन दोनों नेताओं ने जिस गाने के बोल गुनगुनाए वो ही सभी के बीच चर्चा का विषय बन गया। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय बुधवार को दिन भर भोपाल में रहे। इस दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं से मुलाकात की। सीएम शिवराज से भी दोपहर में उन्होंने मंत्रालय में मुलाकात की थी। इसके अलावा सरकार के कई मंत्रियों के घर पहुंचकर विजयवर्गीय ने सौजन्य मुलाकात की थी। सुबह से कयास लगाए जा रहे थे कि कैलाश विजयवर्गीय सभी नेताओं से मिलकर नई संभावना तलाश रहे हैं। ऐसे में दोनों की जुगलबंदी गाने में देखने के बाद सभी के कयासों पर विराम लग गया। एक बार फिर शिवराज और कैलाश की दोस्ती जग जाहिर हो गई। भुट्टा पार्टी तो एक बहाना था, ये मुलाकात एक बहाना था, ये सिलसिला पुराना है। और जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय ने भोपाल में गौन पार्टी के जरिए समा बांधा, वो आने वाले दिनों में याद किया जाएगा। एशियन भारत के लिए भोपाल से कैमरामैन उबेस के साथ मुक्ता पाठक। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे।